देश के कोने कोने से आए हमारे कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, दूर दूर से देश भर के कोने कोने से आप सब इतनी तादाद में आए हैं। आज की इस भारत बचाओ रैली में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप हम सब इसीलिए यहाँ आए हैं कि काफी समय से देश की हालत बहुत गंभीर हो गई। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने घरों से बाहर निकले और इसके खिलाफ आंदोलन करें। किसी भी व्यक्ति समाज और देश की जिंदगी में कभी कभी ऐसा वक्त आता है कि उसे इस पार या उस पार का फैसला लेना पड़ता है। आज वही वक्त आ गया है। देश को बचाना है तो हमें कठोर संघर्ष करना होगा। हमारे युवा इस तरह की बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं जैसा कि दशकों से नहीं हुआ। बच्चे काम की तलाश में भटक रहे हैं, लगी लगाई नौकरियां भी उनके हाथ से जा रही है। उनके सामने अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैं आपसे पूछ रही हूँ कि हम युवा के भविष्य के लिए कठोर संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं। आज जब मैं अपने अन्नदाता किसान भाइयों की दशा को देखती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। उनकी परेशानियां इतनी बढ़ गई हैं कि उनका जीना और ज्यादा मुश्किल हो गया है। उन्हें अपने खेतों के लिए सही समय पर बीज नहीं मिलता, आसानी से खाद नहीं मिलती, पानी बिजली की सुविधाएं ठीक से नहीं मिलती। इतनी सख्त कठिनाइयों के बावजूद फसल के उचित दाम भी नहीं मिलती मिलते हैं। तो भाइयों और बहनों हमें बताइए कि अपने किसान भाई बहनों के लिए संघर्ष करने को हम तैयार है कि नहीं। हमारे कामगार भाई बहन दिन रात मजदूरी में लगे रहते हैं, सर्दी गर्मी बरसात की परवाह किए बिना अपना काम करते हैं, फिर भी उन्हें दो समय की रोटी ठीक से नहीं मिल रही है। बताइए हम उनकी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं। छोटे बड़े कारोबारी, अरे भैया हेलो, कर्ज लेकर जो काम धंधा शुरू किए वे मोदी सरकार की गलत नीतियों के कारण तबाह हो गए हैं। काम धंधा नहीं चलने की वजह से वो समय पर बैंक का कर्ज नहीं दे पा रहे हैं। पूरे परिवार के साथ आत्महत्या करने की खबरें आ रही हैं। तो मुझे बताइए कि इन्हें उनके लिए हम सब संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं। मुझे इस बात का एहसास है कि मेरी प्यारी बहनों को अपने परिवार पालने के लिए कितना सैक्रिफाइस करना पड़ता है और रात की मेहनत करती हैं, अपने पेट काट कर परिवार पालती है। आज रोजमर्रा की चीजों की कीमत से
सीमा से बाहर होने की वजह से उनकी नींद तक हराम हो गई। यही नहीं, उनके ऊपर जिस तरह की बर्बरता और जुल्म आज हो रहे हैं उसे देखकर हमारा दिल टूट सा रहा है, हमारा सिर शर्म से झुक जाता है। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि अपनी माता बहनों और बच्चियों की इस तरह के खिलाफ हम संघर्ष करने के लिए तैयार है कि नहीं। आज तो अंधेर नगरी चौपटरा का ऐसा माहौल है, पूरा देश सोच रहा है सबका साथ सबका विकास। कहा है सबका साथ सबका विकास। अर्थव्यवस्था इस तरह क्यों तबाह हो गई? रोजगार कहाँ चले गए? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि जिस काले धन को बाहर लाने के लिए नोटबंदी की थी वह काला धन बाहर क्यों नहीं आया? वो काला धन किसके पास है? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आधी रात को धूमधाम से जो इसी लागू की थी उसके बाद मोदी सरकार के खजाना खाली क्यों हो गया? इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि आरबीआई की जेब काट कर जो लाखों करोड़ रुपए मोदी सरकार ने ही लिए बेच कहा है? आप ही बताइए कि इस बात की जांच होनी चाहिए या नहीं कि हमारी नवरत्न कंपनियों क्यों बेची जा रही है और किन्हें बेची जा रही है? दूसरी तरफ जनता का पैसा बैंकों तक में सुरक्षित नहीं है। आम आदमी खुद का पैसा न घर में रख सकता है और न बैंक से निकाल सकता है। ये इसको कहते हैं, मोदी शाह कहते हैं, यही है अच्छे दिन। आज अर्जुन का माहौल ऐसा हो गया कि जब मर्जी आए कोई धारा लगा दो, कोई धारा हटा दो, प्रदेश का दर्जा बदल दो, जब मर्जी आए राष्ट्रपति शासन हटा दो, बिना बहस के कोई भी विधेयक पारित कर दो। ये संविधान विकास दिवस को मनाने का दिखावा करते हैं और हर रोज संविधान की दछिया उड़ाते हैं। अब तो एक नया नागरिकता कानून बनाने की उसका भी इन पर काफी समय से सवार की। मोदी शाह के इस बात की कोई परवाह नहीं है कि ये जो सीएबी कानून अभी लाए हैं वे भारत की आत्मा को तार तार कर देगा जैसा कि असम और नॉर्थ ईस्ट प्रदेशों में हो रहा है। भारत की वह आत्मा जिसके लिए हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं और बाबा साहब अम्बेडकर ने कठिन संघर्ष किया था। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि हमारे देश का बुनियादी स्वभाव ऐसे बेपाव वाले कदमों की इजाजत नहीं देता। मैं विश्वास दिलाती हूँ कि जिनसे भी अन्याय होगा कांग्रेस उन सभी के साथ खड़ी रहेगी। मोदी शाह सरकार को न संसद की चिंता है, अब तो सब जानते हैं और रोज भी देखते हैं, संसद की चिंता नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं की परवाह है। उन्हें मोदी शाह के
सिर्फ एक ही लक्ष्य उनका राजनीति की परवाह है, उनका एक ही संकीर्ण एजेंडा है, लोगों को लड़वाओ और असली मुद्दों को छुपाओ। तो भाई और बहनों, नाइंसाफी सहना सबसे बड़ा अपराध है, इसलिए मोदी सरकार को अपनी आवाज बुलंद करके बताइए कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम कोई भी कुर्बानी देने के तैयार है, कोई भी कुर्बानी देने के लिए तैयार है। संविधान की रक्षा के लिए हम हर तरह की संघर्ष करने के लिए तैयार है। जनता के हकों की रक्षा के लिए कांग्रेस ने सिर्फ कांग्रेस ने हमेशा लड़ाई लड़ी, आज भी कांग्रेसवादी पीछे हटने वाले नहीं है। अपनी अंतिम सांस तक हम देश, लोकतंत्र और संविधान की रक्षा का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे। तो भाई और बहनों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं